We turn one side, stop, turn, stop, other side, stop, front, stop, turn. Okay, both the side landing all done from very small incision. There is nothing on this side, nothing on this side. Done, stop. Okay, so now if we see, okay, these are temporary, not to worry. Incision is very small, both the sides. Turn over one side. Projection no, other side, projection no, chalo. Front mezzo, maintain compression, patient can drive, cannot drink, but can drive, right, so patient can drive, maintain compression, diet may be kuch restriction nahi hai, result will be on glands and fat, this is next day, we will see on 1 month ka follow, okay, so this is 1 month ka hai. सब पेशेंट को एडवाइस होती है, पेशेंट ना डरते हैं कि सर हम लोग नहाते टाइम पे जो भी इंस्ट्रक्शन मिलते हैं कि 2 वीक के बाद में नहाना है तो नहाते टाइम पे हम लोग ना यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेन नहीं लगाते क्योंकि डर लगता है टाका खुल जाएगा आंसर इतना ही. अभी ये पेशेंट को इधर इतना सब डर्ट चिपका हुआ था मैंने क्लीन करा, सो वैसे नहीं होना चाहिए. आपको यहाँ पे प्रॉपरली क्लीन करना है, राइट. स्टिच जो होता है वो खुलता नहीं है, या ये चमड़ी जो है वो खुलेगी नहीं, बिकॉज दिस इज फॉर्म नाउ. वन साइड प्लीज, साइड व्यू में देखेंगे ये साइड में उनको बड़ा था, दिस इज नाउ अदर साइड प्लीज, दिस इज नाउ फ्रंट में आ जाओ. अभी फ्लाइंग मूवमेंट करो, ओके ओके ओके, राइट, करते रहो फ्लाइंग मूवमेंट. सो दिस फ्लाइंग मूवमेंट इज काइंड ऑफ इंटरनल मसाज जो कि आपको 1 मंथ के बाद करनी है. पुशअप्स करने हैं, मसाज करनी है. अच्छा, यहाँ पर स्किन ज़्यादा थी, सो यहाँ पर स्किन थोड़ी सी अभी भी है, बट वो और बेटर हो जाएगी विद द टाइम. सो दिस इज पेशेंट रिजल्ट 1 मंथ आफ्टर द प्रोसीजर. ओके, पेशेंट के फॉलोअप रिजल्ट ना, ये इंस्टाग्राम अकाउंट है ग्लैंड्स एंड फैट. जब आप इंस्टाग्राम पे सर्च करेंगे ग्लैंड्स एंड फैट तो ये अकाउंट आ जाएगा. सो यहाँ पे पेशेंट के फॉलोअप रिजल्ट्स होंगे. फॉलोअप मतलब फ्रेश रिजल्ट प्लस फॉलोअप रिजल्ट. सो यहाँ पे आप प्रिंट पोस्ट है, जैसे कि 1 मंथ बाद का रिजल्ट है, 1 मंथ बाद कैसा दिखता है चेस्ट, देन 6 मंथ बाद, 1 ईयर बाद, फिर यहाँ पे आफ्टर 1 मंथ रिजल्ट है सारे. सो अगर मैं इसको क्लिक करूँगा और मुझे कोई पर्टिकुलर पेशेंट रिजल्ट देखना है, तो सपोज मैंने ये देखा, सो मैंने इसको रील को क्लिक करा और यहाँ पे देख लिया, राइट. दूसरा पेशेंट देखना है तो उस रील को क्लिक करो और यहाँ पे देख लिया, तो 1 मंथ के रिजल्ट है. फिर यहाँ पे जिम करने के बाद पेशेंट ये इंसिडेंट कितना स्मॉल होता है वो वाला यहाँ पे आप देख सकते हो, उसको क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में फिर हम लोग इसको पूरी रील को देख सकते हैं, राइट. फिर मैं बैक गया, फिर यहाँ पे इसको क्लिक करके इस रील को देख लिया, फिर मैं गया इस रील को देख लिया, फिर इसको देख लिया, ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं, राइट. सो ये देख लूँगा. फिर आफ्टर वर्कआउट कैसा दिखेगा ये, यहाँ पर इस रील को मैंने क्लिक करा और फिर यहाँ पर ये देखा, ये बिफोर पेशेंट का था, राइट. फिर आफ्टर वर्कआउट कैसा दिखेगा, सो इस पेशेंट को देखना, इस पेशेंट का क्लिक करा और यहाँ देख लिया. यहाँ नीचे जाऊँगा मैं तो यहाँ पे इनकी डेट भी डली होती है कि सर्जरी कब करी थी, हम लोग वहाँ पे जा सकते हैं. सो पूरी चीज़ ना ग्लैंस एंड फ्रेंड इंस्टाग्राम अकाउंट पे मिल जाएगी. सो यहाँ पे ये आफ्टर वर्कआउट पेशेंट के क्वेश्चंस क्या होते हैं वो सारे कॉन्टेक्ट करने के लिए यहाँ पे आप मैसेज करके कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं. सो दिस इज रिगार्डिंग गायनेकोमास्ट. यहाँ पर मल्टीपल पेशेंट्स सारे पेशेंट देखने हैं. और मैं प्रेफर करूँगा जिन पेशेंट की सर्जरी हो गई है वो भी डेली 10 पुराने पेशेंट देखेंगे, क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन मिलते हैं जो कि शायद आप में एक दो इंस्ट्रक्शन नहीं दे पाया, तो उनके अंदर आप देख लोगे. सो वो इंस्ट्रक्शन सारे पेशेंट्स पे अप्लाई होते हैं. अच्छा, पेशेंट पूछते हैं सर स्टेनिंग का क्या है, जो स्टेनिंग आती है, स्टेनिंग ये टेम्प्रेरी होती है, आप फॉलोअप में देखोगे तो स्टेनिंग गायब हो जाती है, राइट. स्टेनिंग का भी एक क्वेश्चन होता है, सो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं.